एक कमन प्रश्न होता है, परमात्मा कहाँ है, क्या है, दिखता है क्या। परमात्मा चेतना है, कण कण में है, सर्वत्र है, सब में है। चेतना दिखती नहीं है, चेतना अनुभव होती है, लेकिन चेतना की आधार दिखता है। कोई आधार से चेतना प्रवाहित होता है तो वो अनुभव होता है। प्रकृति में हर जगह में ये चेतना प्रवाहित होता ही रहता है, लेकिन जहां कलेक्टिविटी है, यानी बड़े पैमाने में जहां पर कुछ होता है, वहां ये चेतना की अनुभूति ज्यादा जोरदार होती है। जैसे बहुत बड़ी पर्वत के सामने आप जाओ, आप निर्विचार हो जाते हैं, आप शून्यता में खो जाते हैं, ये चेतना की अनुभूति है। इसलिए कामकाज के बीच आप सभी को मन होता है कहीं कभी प्रकृति में चले, फिर महासमुद्र के सामने वहां पर भी आपको ये चेतना की अनुभव होती है। अर्थात जहां भी कुछ विशाल है, विशालता में चेतना की अनुभूति आसानी से होता है। लेकिन पर्वत की पत्थर में भी चेतना होती है, एक वृक्ष में या झाड़ में भी होता है, लेकिन वही जब समवेत होता है, जब कलेक्टिविटी में रहता है, जब विशाल आकृति में रहता है, तब चेतना की प्रवाह समझना आसान होता है। आपको बताना नहीं पड़ता है यह चेतना है, आप समझ जाते हो। अब सद्गुरु की क्या विशेषता है, क्या काम है, उनके साथ आपकी दैनंदिन जीवन पे क्या काम हो सकता है, उसके बारे में कुछ जैसे आपको पढ़ाई के लिए टीचर चाहिए, ऐसा एक किताब में पढ़ा था, चोरी करने के लिए भी टीचर चाहिए। तो आत्मज्ञान मिलने के लिए एक गुरु की जरूरत है, ये समझाने की कोई जरूरत तो है नहीं। लेकिन बात वही है, आत्मज्ञान जरूरी है ये तो समझाइए, इसकी जरूरत क्या है। फिर कहूं, पहले भी कहा, जो आत्मा आपके शरीर में बसे हुए है, जिसकी बिना आप जीवित नहीं रहते हो, सदगुरु की सान्निध्य में उनकी चेतना जो प्रवाहित हो उसी की सान्निध्य में आपकी आत्मा प्रकाशित होने लगता है धीरे धीरे। जैसे ये घर अगर अंधेरा हो और एक बल्ब, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करते हुए ये रूम और भी ज्यादा से ज्यादा आलोकित दिखता है, ठीक वैसे ही चेतना की प्रवाह की सान्निध्य में आपकी आत्मा प्रकाशित होने लगता है। आपकी अपनी आत्मा की प्रकाश में आप ही को समझने लगते हो।